ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जब वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलर करेक्शन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, एंड इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब गाइस यहाँ पे आपको करना कि आपको जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, एंड मॉडल को ऐड करने के बाद जो है गाइस आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, एंड सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन उसके बाद गाइस आपको मॉडल को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आपको जो हाइट अपने मॉडल की इतनी रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, अब गाइस इसका आपको एक डुप्लीकेट बनाना अपने मॉडल का, ठीक है। तो उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा इसका एक, ठीक है। इस पर एक आपको सेम साइज में वैसे ही रख के इसको फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो साइज़ को यहाँ पे रख के सेम में और वैसे करके आपको इसका इफेक्ट में लेके जाना है, ठीक है। इफेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जाना है, एंड ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बाद आपको इसका जो अमाउंट एकदम बिल्कुल जीरो कर देना है ताकि पूरा ब्लैक हो जाइए, देन आपको उसको कर देना है डन, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, इसका कलराइज में जाके जो आपको पहला ही जो ब्लू वाला मिल जाएगा कलर आपको उसको ले लेना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ब्लेंड, एंड ब्लेंड में जाने के बाद आपको उसको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको उसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो आप यहाँ से ओपेसिटी में जाकर इसकी हल्की सी ओपेसिटी कम कर लेना, ठीक है। एंड उसके बाद जब आप इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम करोगे तो कैसे ऐसा लगेगा कि आपका मॉडल जो है वाटर के अंदर ही बैठा है, बट अब एकदम रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ा सा इसको डार्क भी करना पड़ेगा। तो आपको अपने उसी जिसका आपने डुप्लीकेट किया था उसी का डुप्लीकेट करके आपको फिर क्या करना है, आपको वैसे उसको मूव डाउन कर देना है, एंड उसके बाद आपको उसको लेके चले जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है आपको उसको ले लेना है, ठीक है। एंड नेगेटिव वाले में जाकर इसको ब्लैक कर देना है, उसके बाद कर देना आप सभी को डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको इसका जो ओपोसिटी है आपको उसको यहाँ पे कर देना है कम, ठीक है। ओपोसिटी इसका कम रखना ताकि जो है नीचे से हमें डार्क करना है इसको, तो इसको ओपोसिटी कम कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे रिजल्ट रूम में, ठीक है। रिजल्ट रूम में जाने के बाद आपको उसके साथ साइज इंक्रीज कर देना है, उसके बाद आपको साइड साइड से जैसे कि देखिए ऊपर की साइड से ये इस तरीके से आपको इरेज कर देना है, ठीक है, ताकि जो नीचे का जो बीच वाला हिस्सा होगा वो डार्क हो जाएगा और हमें डार्क ही रखना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पे डन कर देना है, एंड फोटो को डन कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है इसमें। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको लगाने कुछ बबल्स के पीएनजी, ओ बबल्स नहीं, पहले हम लगाएंगे यहाँ पे एक इंजर्ड का पीएनजी जो एंड पे लगा हुआ है, लगाना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है, एंड उसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंजर्ड का पीएनजी आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ब्लेंडिंग मोड है इसका इसको आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको सिंपली इसको रोटेट करना है इस तरीके से, एंड छोटा करके जो आपको उसको सिंपली अपने हैंड के पास इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से। अब गाइस इस तरीके से आपको हैंड पे लगा देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप जब ये लगा दोगे तो आप इसका साउथ तो चाहो तो इसका थोड़ा सा साइज जो है इंक्रीज भी कर सकते हो इस तरीके से, एंड आप इतना परफेक्ट है, ठीक है। आप हैंड पे चाहे एक बार लगाओ दो बार लगाओ कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आप कोशिश करना ज़्यादा भी ना लगाओ, वैसे एक लगाओगे तो ठीक है वैसे भी, ठीक है। तो इतना जाने के बाद आपको फिर दोबारा ऐड फोटो में जाना है, एंड यहाँ पे आपको वाटर बबल्स के पीएनजी मिल जाएंगे, तो आपको सिंपली इसको ऐड करना है, एंड उसको ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको अपने मतलब कि हेयर्स के पास लगाने, मतलब कि आप अगर वाटर में गिर रहे हो तो गाइस आपके जो है मतलब बबल्स वगैरह तो छूटेंगे ना, तो उस तरीके से जो आपको बबल्स लगाने हैं, एंड उसका रिजल्ट में जाके आपको जो यहाँ पे साइड साइड से हल्का हल्का ये इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली इतना कर देने के बाद क्या करना है, आपको इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, क्या करना है, डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं, एंड डुप्लीकेट बना के हम इसको दूसरी साइड में लगाएंगे इस तरीके से, पहले मतलब कि चेस्ट नहीं, यहाँ पे आपको उसके पास भी लगाना है, शोल्डर्स के पास भी अपने, तो इसका एक डुप्लीकेट और बना के हम इसको शोल्डर के पास ले जाकर इसका साइज़ छोटा करके हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। एंड इतना जाने के बाद गाइस अभी इसमें आपको एक वाटर पार्टिकल के पीएनजी भी लगाने हैं, ठीक है। यानी कि मतलब जो छोटे छोटे बबल्स होते हैं ना जो बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे फोटो में, आपको वो दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका यहाँ पीएनजी है, ठीक है, इसको ऐड करना है, एंड ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है, एंड ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है, एंड स्क्रीन कर देने के बाद आपको इसको इंक्रीज कर देना है, एंड मतलब ये थोड़ा साइज इंक्रीज ही रखना, ठीक है, हल्का हल्का मतलब इंक्रीज रखना। फिर इसका इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में, एंड इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश लेने के बाद आपको गाइस मतलब कि थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, यानी थोड़ा थोड़ा पेंट का मतलब है कि मतलब आपको जहाँ जहाँ पे मतलब चाहिए हो पहले इसकी ओपोसिटी हार्डनेस है ना वो कम कर देना, ठीक है, ओपोसिटी हार्डनेस। एंड उसके बाद जो आपको यहाँ पे इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है, देखिए इस तरीके से कहीं कहीं पे पेंट करना है, इससे मतलब कि अगर आप कहीं कहीं पे पेंट करोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपने लगाया है खुद से, ठीक है, ये रियलिस्टिक सही लगेगा। तो
तो बाकी अगर इसकी ओपेसिटी वगैरह अगर ज़्यादा लगती है तो आप इसको कम भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी अब हम तो, मेरे को तो नहीं लगता इसमें ओपेसिटी कम करनी चाहिए हमें, बाकी मैं इतना रखता हूँ। बाकी अगर आपको लगे तो आप ओपेसिटी जरूर कम करना, बाकी आपको यहाँ पे डन कर देना है। एंड अब इसको गाइस इसमें मतलब सारा काम हमने कर दिया पिक्सआर्ट का, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करेंगे एंड कलर रिटच करके अब इसको एकदम बिल्कुल मस्त फोटो बनाना है, ठीक है। तो अब रिटच करेंगे इसको हम लाइटरूम ऐप में। तो अभी हमने इसको सेव कर लिया, अब लाइटरूम ऐप में हम इसे डायरेक्ट ओपन करते हैं। एंड डायरेक्ट ओपन करने के बाद जो आपको यहाँ पे फोटो का ऐड कर लेना है, एंड जाना लाइट वाला ऑप्शन में, आपको उसमें मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, आपको इसको कम कर देना है। हाईलाइट जो है इसको आपको इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे हल्का सा इसको भी इंक्रीज कर देना है, ठीक है। एंड जो वाइट है वाइट को भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर देना है, जो ब्लैक है इसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर जाना आपको यहाँ पे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ाना है, टेम्परेचर जो इसको कम कर देना है, ठीक है, हल्का सा। एंड इसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद पहले सेलेक्ट करना ऑरेंज कलर, इसका सेचुरेशन माइनस करना है एंड ल्यूमिनस बढ़ाना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको लेना येलो कलर, आपको उसका जो ह्यू है माइनस करना है, सेचुरेशन प्लस करना है। फिर उसका जाना आपको डायरेक्ट डार्क ब्लू में, डार्क ब्लू में जाने के बाद अगर आप चाहो तो स्काई ब्लू भी कलर दे सकते हो वाटर को, डार्क ब्लू भी दे सकते हो, तो आपके ऊपर आप जो मर्जी चाहो दे देना, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में बिगिनर डाल देना है फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़्यादा मत डालना, हल्का हल्का ही डालना। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके बाद आपको नीचे वाले टूल में जाके आपको यहाँ पे मिलेगा शार्पनेस, आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।